दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो घंटे का निशान है इस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी के भी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल निकालना चाहते हैं अपने फादर की या अपने फैमिली के किसी भी मेम्बर की, तो दोस्तों आप बहुत ही आराम से ऑनलाइन माध्यम से अपने मोबाइल से घर बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल ऑनलाइन बहुत ही इजीली देख पाएंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा, आप बहुत ही आराम से ये भी पता कर पाएंगे जो आप ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल भी है या लोकल है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जब भी आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना होगा अपने ब्राउज़र में parivahan.gov.in। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम देख पा रहे होंगे parivahan.gov.in, और दोस्तों इसके बाद आपको सर्च कर देना होगा इस वेबसाइट को। जैसे कि दोस्तों आप इस वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नीचे की साइड में आना होगा। सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो मेन ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लाइसेंस स्टेटस। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लाइसेंस स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम भी लाइसेंस स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आज से स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो तीन डिटेल को फिल करना होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वही फिल करना होगा। दोस्तों पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है DL करके, तो आपको वो नंबर जो है यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑप्शन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके DL पर लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो एंटर वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कोड आपको इस वाले बॉक्स में डालना होगा। और दोस्तों इसके बाद आपको चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम अपने सारे डिटेल के स्टेटस आपको यहाँ पर डालकर दिखा देते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल की, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा स्टेटस है वो आ चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है होल्डर का नाम दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ इशू यानी कि आपका DL कब बना है वो आपको यहाँ पर दिखाने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों ओल्ड न्यू DL का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का है, क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत आराम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।